आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर पालिका अध्यक्ष इंदु रानी के नेतृत्व में देश में 100 करोड़ लोगों को कोविड 19 से बचाव के लिए टीकाकरण होने पर संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। देखिए जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार के साथ हिमांशु शर्मा की विशेष रिपोर्ट। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद आपने 100 लोगों को सम्मान किया है चंदौसी समुदाय केंद्र में, डॉक्टरों को क्या कहेंगे इसमें? देखिए जिसके जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया है, जहां उस विश्व में वैश्विक महामारी सब लोग पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, लेकिन वहां मोदी जी ने धैर्य और धीरज का परिचय देते हुए अपने भारत के नागरिकों को सुरक्षित किया है, जिसमें हमारे चंदौसी नगर के डॉक्टर साहब, जितने भी नर्स, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया। हमारे पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म स्वागत हमने किया है। उनके लिए जितना करें उतना कम है। जान की रक्षा करना, मरीजों को बचाना, इतना बचाया लोगों ने, इतनी सुरक्षा दी है उन्होंने कि उसको हम भुला नहीं सकते कभी भी। इसके लिए सभी का शुभेच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रयास हुआ है इसका, ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा और प्लस सारे समाज की जागरूकता के द्वारा ही संभव हो पाया है, और जिससे कि आने वाले टाइम पे कोई इस तरीके की महामारी से बचा जा सके। और इस तरीके का टीकाकरण और इस प्रयास के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सम्मान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीन के लिए तो 100 करोड़ के बाद जो लोग रहेंगे उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बस मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले वैक्सीन जनवरी में हम लोगों को लगी थी, अभी तक हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस दौरान एक दूसरी लहर भी आई थी, उस दूसरी लहर में भी ये स्थिति रही। आप समझिए कि हमारे अस्पताल के कई कर्मचारियों को कोरोना हुआ, पर सबकी जान का जोखिम किसी की नहीं रही। तो वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है, और प्लस साथ में इसको सभी को लगवाना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों से भी निपटा जा सके। थैंक यू डॉक्टर। देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के उपलक्ष्य में आज इंदू रानी चेयरमैन साहब ने आप 100 डॉक्टरों को सम्मानित किया है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों के सहयोग से और हम सभी कर्मचारियों की मेहनत से ये सब सफल हुआ है। ये कार्यक्रम, ये जो 100 करोड़ डोज का वैक्सीनेशन का टारगेट था वो हम पूरा कर पाए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह का सहयोग आप सब लोगों का रहेगा, और हम अपने इसी तरह अपने कोई भी लक्ष्य हमें जो दिया जाएगा आगे आने वाले भविष्य में, हम इस बीमारी से पूरी तरह से उभर पाएंगे। थैंक यू सर।